बंडर के जैसे गोल गोल घुमाया उसको बराबर। यार कच्चे आलू पे बराबरी लकड़ी फंस जाती है। हाँ फंस जाती है। मतलब थोड़ा बहुत तो बॉइल करते हो तो ये एक मिनट बिल्कुल पकड़ो। ये स्पायरल पुट। हेलो जी, वेलकम बैक टू स्पून्स ऑफ इंदौर। और हम लोग सराफा पे आए हुए हैं आगरा चाट पे फॉर दिस स्पायरल पुट एट। और आइए बनवाते हैं। तो ये भैया बॉयल आलू रहता है या कच्चा आलू रहता है? ये कच्चा आलू है। कच्चा आलू रहता है पूरा। और ये लकड़ी में फंसा और ये मशीन में गया और ये भैया ने घुमाना चालू किया। दस सेकेंड में पूरा पोटैटो का स्पायरल बना दिया आपने। बवंडर के जैसे गोल गोल घुमाया उसको बराबर। यार कच्चे आलू पे बराबरी लकड़ी फंस जाती है। हाँ फंस जाती है। मतलब थोड़ा बहुत तो बॉइल करते हो तो ये एक मिनट बिल्कुल पकड़ो। ये स्पायरल पोटैटो का पोटैटो आ गया है। अब इसको डालेंगे इस फ्रायर में और फिर लगाएंगे इसमें ढेर सारे मसाले और बन जाएगा ये स्पायरल पोटैटो। फिर अपन जो फ्लेवर इसमें ऐड कराना चाहें वो करवा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ आगरा चाट से प्रहलाद भैया और ये बनाएंगे हमारे लिए। कौन सा बनवाएंगे इसको अपन? सर हमारा आगरा चाट स्पेशल फ्लेवर खाइए, सराफा का प्रसिद्ध हमारा आगरा चाट स्पेशल पोटैटो पेरी पेरी। कितना समय लग जाएगा लगभग बनाने में? कम से कम 5 मिनट लगेगा सर इसको बनाने में। और तीन मिनट का प्रोसेस रहता है बनाने में। ऐसा पूरा रेडी हो जाए। चलो ठीक है, तो आप प्रिपेयर करो, मैं उस तरफ से घूम के आता हूँ तो बराबर से मेरे को शूट करते हैं। भैया कौन सा मसाला लगा रहे हैं अपन? सर ये पेरी पेरी मसाला बन रहा है सर आपका। पेरी पेरी मसाला है जी, ये पेरी पेरी बनेगा आपका। ये सब में कॉमन रहता है? ये सर ये कॉमन बेस रहता है, बेस हमारा थोड़ा यूनिक बनता है, अलग बनता है। अच्छा, इसके लिए क्या आप अगर चाहोगे आप तो फरियाली भी टेस्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे तक मिर्ची को पास रहता है फरियाल रहता है, उसके हमने बेस बनाया है। इस देश में किसी तरह कोई मिर्ची उर्ची नहीं रहती सर। ये फ्लेवर बाद में अपन ऐड कर सकते हैं जी, क्योंकि क्या होता है सर बहुत सारे फैमिली पूरा जो सराफा में बाजार है ये फैमिली मार्केट है सर। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि किसी को स्पाइसी चाहिए, किसी को मीडियम चाहिए, तो इसलिए सर हमने क्या मसाला इसके लिए ऐड नहीं किया हुआ। इसमें मसाला अलग से ऐड करते हैं, आप जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा आपको। स्वीट भी बन जाएगा, चटपटे बनेगा, नमकीन बनेगा, आगरा का स्पेशल जो हमारा वो सबसे बेस्ट रहता है हमारे यहाँ का। बढ़िया, तो अब मैंने ये मसाला लगा दिया और इसको फ्राइड पर डाल दें जी सर। ये अभी आपको मसाला लग के रेडी हो गया है, ताकि इससे क्या आपको क्रिस्पी होना अच्छा टेस्ट रहेगा। ये जो मसाला रहता है इसको क्रिस्पी करने के लिए रहता है, ताकि पोटैटो अच्छे से क्रिस्पी हो पाए, क्योंकि कच्चा रहता है ना पोटैटो जी। भी क्रिस्पी होना जरूरी है। आपका 2 मिनट में रेडी हो जाएगा सर। तो ये हमारा स्पायरल पोटैटो फ्रायर में आ गया। और कितना समय लग जाएगा लगभग भैया इसमें? सर लगभग इसमें 1 से 2 मिनट लगेंगे सर। 1 से 2 मिनट रेडी हो जाएगा, बढ़िया प्रॉपर क्रिस्पी हो जाएगा सर। और मुझे पता लगा कि सराफे में सबसे पहले ये आपने स्टार्ट किया था स्पायरल पोटैटो? सर पूरा एमपी के अंदर आने वाले पोटैटो वाले सर अपन ही सर। अच्छा, पूरा एमपी में जब पहले चालू करा था सराफे के अंदर, फिर हम ही लेके आए थे पोटैटो को। पोटैटो हमने स्टार्ट कितने साल से बना रहे हैं अपन ये? सर काम 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए जी सर। मतलब एक्सपर्टिज्म हो गई आपको बनाते हुए स्पायरल पोटैटो। चलो बढ़िया, तो एक बार हमारा ये पोटैटो पूरा फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले अपन डलवाएंगे और इसको किस फ्लेवर में बनवाएंगे। तो लगभग 2 मिनट फ्रायर पे घुमाने के बाद ये पूरा फ्राई हो गया है पोटैटो स्पायरल। अब इसमें से पूरा इसका तेल निकालेंगे अपन। ऐसे करने से इसका ऑयल जो होता है ऑयल की मात्रा पूरी जीरो हो जाती है, लगभग 99% का ऑयल निकल जाता है। ऑयल निकल जाता है इसके अंदर से, तो मसाले का भी टेस्ट अच्छा है। ऑयल का टेस्ट नहीं आने लगता है। ऑयल का टेस्ट नहीं आने तभी प्रॉपर्टी पड़ा वो भी रखना। सही बात है भाई। हमारा स्पायरल पोटैटो रेडी हो रहा है। टिश्यू पेपर से भैया पकड़ेंगे, तो मैं ज़रा घूम के आता हूँ उस तरफ, तो मैं आपको वहाँ से सीधा एंगल्स पे दिखाऊंगा। ये आपका बिल्कुल प्रॉपर क्रिस्पीपन जो बोल क्रिस्पी आ गया, क्रिस्पीनेस पूरा बन के रेडी हो गया। चलो मैं उधर से आ रहा हूँ। इस तरह से आपको मसाले लगाते हो कोई नहीं मिलेगा पूरे सराफे में। सिर्फ आप ही लगा रहे हैं जी, मैंने देख लिया क्या दिल से मसाले लगा दिया हमने। अच्छी रहती है, फुल क्रिस्पी। इसके बाद सर कुछ एडिशनल मसाले ऐड होते हैं। ये क्या ऐड कर रहे हैं अपन? ये सर हमारा एडिशनल नमकीन मसाला होता है, तो चटपटे नमकीन का टेस्ट रहता है सर। क्या होता है हर कोई स्पाइसी खाना पसंद नहीं करता, उसका आपको नमकीन भी चाहिए। चटपटा रहेगा तो सबको चलेगा जी भैया। क्योंकि क्या होता है सर एक साथ में 4-5 जने रहते हैं, सबका अलग टेस्ट है, तो मेरे को 5ों को देख के मनाना पड़ता है। लेकिन खाने वाले सबको मजा आना चाहिए। ये हमारे सर रेडी मसाले हो गए हैं,
प्लेन मंगा लेता है ये, प्लेन मायो डाल रहे हैं पहले इसमें 6 लाख, ये प्लेन मायो हो गया, प्लेन मायो आ गया। फिर इसके बाद लिक्विड चीज, लिक्विड चीज मायो, लिक्विड चीज मायो, इसका चीजी टेस्ट आया खाने के बाद ऐसा बढ़िया। क्या बात है यार, कितना सारा भर भर के मायो डाला है भैया ने। हनी मस्टर्ड मस्टर्ड सॉस जो रहता है वो उसमें हनी मिक्स, हनी मिक्स तंदूरी में मिक्स है, तंदूर दोनों मिक्स है। अरे क्या बात है, एकदम फुल फ्यूजन ऑफ मसाले, मतलब सारे पूरे मसाले हमारे, हाँ पूरे मसाले सब हमारे इंग्रीडियंट बने हुए हैं। उसके बाद सर इसके आप आएगी चीज जो इंदौर की सारे चीजों से, तो इंदौर सबसे ज्यादा चलती है, पहले सर सेब चलती थी, अब चीज चलने लगी है, उतनी ही चलती है सर बराबर हर चीज में, चीज चीज आ पर चीज का ज्यादा सर किस चीज का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए मसालों के साथ में ऐसा। हाँ जी, तो ये हमारे मसाले बनाए हैं चीज को ध्यान में रखते हुए। उसके साथ सर आप चार स्वीट, एक स्वीट सैलेड रहता है। अच्छा क्या क्या रहता है अपने सैलेड में? सर सैलेड में गाजर सलाड जो मीठा बनाना है ताकि तीखा लगने पर थोड़ा सा स्वीटनेस आए। भैया हल्का सा नमकीन सैलेड रहता है, ये लेमन युक्त सैलेड है, नमकीन वाला लेमन सैलेड जी, बड़ी नमकीन जो है नमकीन टेस्ट आगे पर खाने के लिए। ये सर आपकी ये प्लेट रेडी, कितने की प्लेट है? 100 रुपीज़ सर, 100 रुपीज़। भाई यार एक बात बताऊँ, 100 रुपीज़ में तो पूरे सराफे मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना लोड करके देगा, चीज़ भी इसको लोग अलग से पैसे दे लगते हैं, सही बता रहे हैं। तो आप आइए आगरा चाट सराफे पे और ये टेस्ट करिए सारे फ्यूजन और मसालों का, पोटैटो स्पायरल टॉर्नेडो पोटैटो भी इसको कहते हैं, और फिर हमें कॉमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए टेस्ट करते रहिए और बताते रहिए कि हमारी बताई हुई चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट पे बताते रहें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, किसी और अच्छी वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे फूड के साथ। थैंक यू सो मच।